मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मतदान मत का उपयोग करें और मतदान जरूर करें। 500 साल ये जनता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद जीतते हैं और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आम से लेकर खास सभी अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी आहुति दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में जनता ही जनार्दन कहलाती है। ऐसे लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी कैंडिडेट अशोक रूहानी वह वोट देने पहुंचे हैं महाकौशल कॉलेज में, उनके साथ उनका पूरा परिवार है। और ये तीसरी बार आप भाई साहब मैदान में, अभी आपने अपने मत का प्रयोग किया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र को मजबूत करने का यह पर्व। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मतदान मत का उपयोग करें और मतदान जरूर करें। और कैंट विधानसभा में कार्यकर्ताओं की परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। भाई आप लगातार आप लोग साथ में रहे हैं, भैया प्रचार कर रहे थे, आप लोगों का सपोर्ट भी रहा है, तीसरी बार मैदान में है तो आज जो है वोटिंग का दिन है, आप लोग सारे लोग वोट डालने आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है कि बहुत दिन, अपन 5 साल पूरे मेहनत करते हैं, आज एक दिन और एक महीने की बात नहीं है, 500 साल ये जनता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद जीतते हैं और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये देखिए, ये थे अशोक रूहानी और उनकी पत्नी जो कह रहे हैं कि भाई 5 साल जो है अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं और आज जब परीक्षा का घड़ी है तो वह भी अपने मत का प्रयोग करने आए हैं और उन्हें भरोसा है कि इस बार जो है जनता सही फैसला करेगी और जब रिजल्ट आएगा तब ये पता चलेगा कि उनका मूल्यांकन जनता ने किस तरीके से किया है। लेकिन अशोक रूहानी जो है अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार वो जो है कैंट विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।